कभी धूप उठ रहा है तो कभी पूरा आसमान एकदम चारों तरफ काला काला लग रहा है कि अभी बारिश होने वाला है। एनीवे बहुत अच्छा लगता है जब ये एरोप्लेन ऊपर से जाता है, और बहुत दिनों के बाद देखा क्योंकि काफी दिन से बारिश था तो नहीं देख पाए, तो अच्छा लगा, मन खुश हो गया। मन खुश होने का और एक कारण भी है, आप लोग को पता ही होगा, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोगों का जो राजपथ है उसका नया नामांकन किया गया है, और उनका उसका नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। और वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक भव्य मूर्ति स्थापन किया गया है। तो मेरा जो फ्रेंड जो दिल्ली में रहते हैं, ज़रूर जाइए, और वहाँ पे मुझे पता है कि आप लोगों का वो एक हार्ट सेंटर है। वहाँ पे इवनिंग में काफ़ी सारा लोग ऐसे पैदल चलते हैं, वो इवनिंग वॉक करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, है ना। तो आज कल और परसों, मतलब फ्राइडे सैटरडे और संडे, ये 3 दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कुछ पिक्चर वहाँ पे दिखाया जाएगा, तो आप लोग ज़रूर जाएंगे। और इंस्टाग्राम में आप लोग का फोटो पिक्चर दीजिए ये भव्य मूर्ति का, हम लोग का कर्तव्य पथ का, और वहाँ पे ज़रूर लिखिए #कर्तव्य पथ तो ज़रूर जाइए। मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं उड़ के चला जाऊँ और वो मैं एक बार देख के आ जाऊँ। देखते कब मैं जा पाती हूँ, कब मैं देख पाती हूँ, पता नहीं लेकिन बहुत ही अच्छा लगा कि इतना बड़ा एक काम हुआ है देश के लिए। और क्या कहूँ, बहुत ही खुश हूँ। तो ये तो रहा खुश की खबर। अश्मिता का स्कूल कंप्लीट हो गया है, क्लास कंप्लीट हो गया है, और अश्मिता खाना वाना भी खा लिए। अभी क्या चल रहा है? कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो राश्मिता ये सब करे, यहाँ पे लैपटॉप लेके बैठी है। अभी घड़ी में बज रहे 2:45, बहुत लेट से मैं मेरा आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, ए न्यू डे ए न्यू ब्लॉग। आप लोग बहुत ही अच्छे हैं मुझे पता है, और मैं भी अच्छी हूँ। धीरे धीरे बारिश कम हो रहा है, देखते हैं आगे बेंगलोर में क्या परिस्थिति रहता है। तो ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके इवनिंग का कुछ नज़ारा आपके साथ मैं शेयर करूँगी, जैसे ये वाला नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर किए, और आज मैं लंच में क्या बनाया है वो भी मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आज जो मैं लंच में बनाने जा रही हूँ वो है मुर्गी लाल झोल, जो बंगाली में बोलते हैं मुर्गी लाल झोल, और आप लोग कह सकते हैं कि चिकन रेड करी। तो यहाँ पे मैं एक ऑनियन, टोमेटो और जिंजर अदरक का पेस्ट बना रही हूँ। यहाँ पर चिकन को ऑलरेडी मैरिनेट करके रखी हूँ, थोड़ा नमक हल्दी और लाल मिर्च देके। सो प्रेशर कुकर में मैं बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा सरसों का तेल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं दे रही हूँ वो है गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और देखिए मैं जो आलू कट के रखे थे वो आलू को पहले लाल लाल करके मैं फ्राई करूँगी। थोड़ा सा नमक मैं डालूंगी इसके अंदर, तो आलू को पहले फ्राई करके मैं उठा लूंगी। उसके बाद आप ये कढ़ाई में भी अलग से आलू फ्राई कर सकते हैं और रख सकते हैं। मैं एक ही बर्तन में पूरा काम करना चाह रही थी, तो थोड़ा सा मैं अभी नमक दे रही हूँ, और आलू को अच्छी तरह में थोड़ा लाल लाल करके फ्राई करना है। और इसके बाद ऑलरेडी मैंने ऑनियन को चॉप करके ऐसे रखी थी, तो पहले मैं ऑनियन दूंगी एकदम हल्का लाल करके मैं फ्राई करूंगी, और इसके अंदर थोड़ा सा मैं दे रही हूँ शुगर। आप चाहे तो शुगर दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ये ऑप्शनल है। मुझे थोड़ा सा शुगर देने में थोड़ा कलर भी आता है। और ये मैं दे रही हूँ जिंजर गार्लिक ऑनियन और थोड़ा सा टोमेटो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो ये पेस्ट में बनाने के बाद ही, पेस्ट में देने के बाद ही मैं ये
तेजपत्ता, फिर धनिया पाउडर, उसके बाद जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक। देखे मैं थोड़ा सा उसको और दूंगी थोड़ा लाल मिर्च पाउडर। तो अच्छी तरह मसाला को मैं कोट कर रही हूँ, मसाला को अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि थोड़ा ऑयल निकल के आए। और इसके बाद मैं जो मैरिनेटेड चिकन है वो मैं दे रही हूँ। मैंने ये मैरिनेटेड चिकन 15 मिनट्स के लिए मैं रखी थी, तो अच्छी तरह मैं इसको मसाला के साथ कोट कर रही हूँ ताकि ऑयल निकल के आए। और इसको मैं थोड़ा प्रेशर कुकर में ढक के ऐसे पकाऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं लीड ओपन करूंगी और अच्छी तरह इसको पकाऊंगी। तो देख रहे हैं कि थोड़ा ऑयल नीचे से निकल के ऑलरेडी आ गया है, मसाला अच्छी तरह पक चुका है। अभी मैं दे रही हूँ पोटैटो। देखिए पोटैटो को मैंने ऐसे लाल लाल करके मैं फ्राई की हूँ, अच्छा लगता है। ये वाला प्रोसेस अब यूज़ करिए ज़रूर, जल्दी भी बनता है और मतलब ज़्यादा देर नहीं लगता है, एकदम जल्दी जल्दी बन जाता है। तो अच्छी तरह मैं आलू फिर चिकन को अच्छी तरह मैं फ्राई कर रही हूँ मसाला के साथ। अभी मैं दे रही हूँ थोड़ा गर्म पानी। देखिए एकदम ऑयल निकल के आ गया है। गर्म पानी ज़रूर यूज़ कीजिए तो मसाला का जो स्वाद है वो बरकरार रहता है। थोड़ा सा उबाल आ गया है, अभी मैं इसके अंदर दे रही हूँ थोड़ा गरम मसाला पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर यूज़ की हूँ क्योंकि क्वांटिटी कम है। तो जस्ट मसाला को अच्छी तरह मैं मिला रही हूँ। हो गया है ऑलमोस्ट डन। अभी मैं लीड क्लोज़ कर दूँगी। अच्छी तरह क्लोज़ होने के बाद ये 1.5 सीटी में ये बन जाएगा। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं लीड ओपन कर रही हूँ। देखिए एकदम रेड कलर का ग्रेवी बन चुका है, लाल झोल हम लोग बोलते हैं इसको। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इतना जल्दी और झटपट बन जाता है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और टेस्ट भी जैसे बताया कि बहुत अच्छा होता है। तो इसको मैं यहाँ पर सर्व कर दे रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी अश्मिता बताएगी कि ये मुर्गी का जो लाल झोल है, ये मुर्गी करी है एक्चुअली। हम लोग बंगाली में उसको बोलते हैं मुर्गी लाल झोल। मतलब तो आप लोग समझ चुके हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि लाल झोल क्या होता है। तो कैसे लग रहा है? टैंगी है। ओके, तो दिखने में ये लाल झोल है कि नहीं वो बता। ये एकदम पतला टाइप का झोल होता है हम लोग। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका टेस्ट कम है। लाइक वो जो मसाला जो है वो समझ में आ रहा है कि इसमें मसाला है, पर लाइक डाइल्यूट, वेरी लाइट। हाँ, तो एकदम लाइट, मतलब लाइट से बना हुआ एक चिकन करी आप बता सकते हैं, राइट? मतलब लाइट, एक लाइट फूड कह सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि रिच, ज्यादा रिच हम लोग को पसंद नहीं आता है। उस समय आप लोग अगर इस तरह का हमेशा चिकन में थिक ग्रेवी, करी या थिक ग्रेवी के साथ खाना हमेशा पसंद नहीं लगता, तो इसलिए कभी कभार ये बहुत इजी भी है ना बनाना। राइट, और आप लोगों तो मैंने दिखा है कि ये प्रेशर कुकर में भी कितना जल्दी बन जाएगा। तो अगर कुछ खाने का मन नहीं है तो ऐसे थोड़ा मसाला से आप ये चिकन करी बना सकते हैं। तो हम लोग इसको कहते हैं मुर्गी लाल झोल। तो ये मतलब कोलकाता में हमेशा हर एक होटल में आप लोग को ये मुर्गी का लाल झोल मिलेगा क्योंकि ये बहुत कॉमन एक फूड है कोलकाता। तो कोलकाता का मतलब वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर, मतलब कोलकाता जो लोग हैं वहाँ पर काफ़ी सारा स्ट्रीट फूड है, काफ़ी सारा होटल है, तो वहाँ पर ये आप लोग को मिल ही जाएगा, ऐसा है। तो अश्मिता तो बता दिया है कि कैसे टेस्ट है, तो खाना खा लेते हैं फिर मिलती हूँ। यस, चलो। गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं। बारिश नहीं होगा करते करते
पूरा मॉर्निंग चला गया, अभी ये शाम का वक्त है। और ये देखिए, ये है नज़ारा। तो अभी भी बाढ़ आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। देखिए पूरा एकदम अंधेरा हो गया है, किसी भी वक्त बारिश आने वाला होगा। बेंगलोर में यही प्रॉब्लम है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। मतलब इतना बारिश मैंने कभी तक, मतलब अभी कितने साल हो गए मैं बेंगलोर में हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा बारिश मैंने नहीं देखा। एनीवे, ये ब्लॉग और आगे नहीं बढ़ाएंगे, मुझे पता है कि उस तरह से ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए ताकि मैं कुछ और नया चीज़ आप लोगों के साथ मैं पेश करूँ। बट आज का चिकन का जो रेसिपी मैंने आप लोगों को बताया वो ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगता है और लगेगा आप लोगों भी, और एकदम वो बहुत ही टेस्टी भी रहेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। आज का ब्लॉग मैं यही फिनिश करूँगी, फिर मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। बाय।